हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता किचन एंड लाइफस्टाइल। और मैं हूँ श्वेता। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर केयर सीक्रेट, जिसे रेगुलर यूजिंग से मेरी हेयर काफ़ी शाइनी, थिक और लॉन्ग हो गए हैं। तो कौन सा है मेरा सीक्रेट प्रोडक्ट, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लेट गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपने देखा, ममार्थ के इस हेयर मास्क के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस प्रोडक्ट को मैं लास्ट 4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। बेसिकली ममार्थ के प्रोडक्ट केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आपके बाल बहुत ही डल, केमिकल ट्रीटेड, कलर्ड एंड डैमेज है, तो ममार्थ का ये हेयर मास्क आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जान लेते हैं इसकी क्वालिटी, यूजिंग और एप्लीकेशन के बारे में। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ यूज़ किया है ममा अर्थ का अर्गन हेयर मास्क। ममा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हाइजीन के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सारे के सारे प्रोडक्ट पैराबीन एंड सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं। नो केमिकल एंड हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट्स है ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस हेयर मास्क की अगर बात करें तो ये अर्गन हेयर मास्क है। इसमें अर्गन ऑयल, एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन है, कर्ड एक्सट्रैक्ट, सीडारवुड ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल जैसे कई इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड थिक बनाते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन है फॉर फ्रिजी एंड कर्ली हेयर्स के लिए, और साथ ही साथ ये ड्राई डैमेज हेयर्स को भी रिपेयर करता है और कलर्ड एंड केमिकल ट्रीटेड वालों को भी हील करता है, उनके टेक्सचर को ये रिपेयर करता है। इसे यूज़ करने से पहले आपको अच्छे से शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है और आपके बालों को अच्छे से कोमिंग कर लेना है। आप आफ्टर वॉश हेयर वॉश इंस्टेंटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस आपके बाल थोड़े सेमी ड्राई से होने चाहिए, आपके बालों में 70-80% वाटर होना चाहिए। इस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 2 पार्ट्स में अपने बालों को डिवाइड कर लिया है ताकि एप्लीकेशन लगाने में आसानी हो, और इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेकर मैं क्रीम को, हेयर मास्क को अच्छे से अप्लाई करूँगी। बहुत ही जेंटली आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है, पूरी तरह से आपके बालों को हेयर मास्क से कवर करना है। रूट से लेके एंड तक आपको बालों को अच्छे से इस मास्क को आपको कवर करना है ताकि ये पूरी तरह से बेनिफिट दे। मैं एक्चुअली फास्ट फॉरवर्ड में आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और मेरे बाल थोड़े लंबे होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये पूरी प्रोसेस करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके बता रही हूँ। लेकिन इसे बहुत ही पेशेंटली करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्रीम आपके स्काल्प में, आपके हेयर्स में अच्छे से पेनिट्रेट हो और इसके पूरे पूरे बेनिफिट आपको मिले। तो एक साइड में इसी तरह से लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से मर्ज कर दूँगी अपने बालों में। मसाज देना है स्काल्प के ऊपर भी, आपको इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्काल्प अगर हेल्दी होंगी तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही हेल्दी तरीके से होगी। अगर आपके बाल बीच बीच में ड्राई हो रहे हैं, और ये मास्क भी जल्दी ही ड्राई होता है, तो आप इसे वाटर स्प्रे की मदद से बीच बीच में गीला कर सकते हैं। तो पूरी तरह से मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी अपने स्काल्प में, हेयर्स में, और जेंटली मसाज मैं अपने बालों को यहाँ पर दे रही हूँ। एक साइड पूरी होने के बाद सेकेंड साइड भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी।
मैंने बोथ साइड ये क्रीम अच्छे से लगा ली है अपने बालों में, और पीछे की तरफ भी इसे अच्छे से आपको कवर करना है और जेंटली आपके स्काल्प को मसाज देना है। क्रीम पूरी तरह से आपके स्काल्प के अंदर पेनिट्रेट होनी चाहिए। इस तरह से हम कुछ मसाज देंगे जेंटली, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपको इसे मसाज देने के बाद 30 मिनट्स के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। आप एक तो बालों को टाई करके रख सकते हैं या तो फिर शावर कैप से आप इसे कवर करके छोड़ सकते हैं, और आफ्टर 30 मिनट्स आपको नॉर्मल टैप वाटर से इन्हें वॉश कर लेना है। पानी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा। इसी तरह से गुनगुने पानी में आप इन्हें हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश के वक्त आपको शैम्पू की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो बस आपको इन्हें नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है। शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ आपको नहीं करना है। तो चलिए मैं अपने बालों को अब वॉश कर लेती हूँ, मिलते हैं आफ्टर वॉशिंग। तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शाइन मेरे बालों में आ गई है, बहुत ही सॉफ्ट और मैनेजेबल हो गए हैं। तो आप भी सेम रिज़ल्ट इसके यूजिंग से पा सकते हैं, और इसके रेगुलर यूजिंग से आपके बाल फिर से ग्रो करने लगेंगे। आपको इसे हफ्ते में एक बार यूज ज़रूर करना है, जिससे कि आपके बालों को हीलिंग मिले और आपके बाल ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल हो जाए। होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज़ टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।